लेस्को ने ओवर बिलिंग का नया तरीका मुतारिफ करा दिया। प्रोरेटा बेस के तहत रीडिंग ने सार्फिन की चीखें निकलवा दी। हजारों सार्फिन को जायद यूनिट डालकर प्रोटेक्टेड कैटेगरी से निकाल दिया। बिजली बिल्स में 10 से 30 यूनिट जायद डालकर सार्फिन की स्लैब तब्दील। लेस्को की एक बार फिर ओवर बिलिंग की तैयारियां। कंपनी ने रबामा लाइन लॉसेस कम करने के लिए अफसरान पर करोड़ों यूनिट्स की ओवर बिलिंग के लिए दबाव डालना शुरू कर दिया। लेस्को में पुरानी ओवर बिलिंग की बुनियाद पर 30 करोड़ यूनिट्स की क्रेडिट एडजस्ट। नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए बुरी खबर, बिजली के नए निर्ख लागू। 200 यूनिट पर 26 रुपये 11 पैसे और 100 यूनिट पर 23 रुपये 73 पैसे फी यूनिट वसूल होंगे। 201 से 300 यूनिट पर बिजली के निर्ख 29 रुपये 74 पैसे फी यूनिट मुकर्रर। बिजली सार्फिन को प्रोटेक्टिव और नॉन प्रोटेक्टिव टैरिफ लगाने का इकदाम चैलेंज। शहरी मलिक एहतशाम की जानिब से लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी गई। विफाकी हुकूमत चेयरमैन नेप्रा लेस्को को फरीक बनाया गया। अदालत से नोटिफिकेशन गैर कानूनी करार देने की इस्तदा की गई। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन की हड़ताल नाकाम हो गई। शहर में 90% पेट्रोल पंप्स खुले रहे। पेट्रोल की सप्लाई मुअत्तल के बाद मुताबिक जारी, 10% पेट्रोल पंप्स ने तेल की सप्लाई बंद की। चेयरमैन अब्दुल समी खान ने मुल्क भर में हड़ताल की कॉल दी थी। जान बचाने वाली अद्वियात भी महंगाई से बच ना सकी। अद्वियात की कीमत में सालाना बुनियादों पर 23% से जायद का इजाफा। मई के मुकाबले जून में अद्वियात की कीमत तकरीबन 2% महंगी हुई। वजीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर का मास फार्मा फैक्ट्री का दौरा। मेडिसिन की तैयारी के मुख्तलिफ मराहिल का जायजा लिया। क्रीम और मरहम की तैयारी के निज़ाम का मुआयना भी किया। कहा हुकूमत मियारी अद्वियात की दस्तियाबी के लिए मुकामी फार्मा इंडस्ट्री को मुकम्मल सपोर्ट करेगी। सुबह वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक का गाज़ियाबाद में फील्ड हॉस्पिटल का दौरा। फील्ड हॉस्पिटल की वर्किंग और अवाम को फराहम करदा सहूलियात का जायजा लिया। ख्वाजा सलमान रफीक ने कहा, अवाम तक सेहत की बेहतरीन तिबी सहूलियात की फराहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। मरियम नवाज शरीफ साहब की हदायत पे कि हमने एक ही दफ़ा पे इंजेक्ट किया है कि जी ये एक एसेट भी बन गया और जितना 4 सालों में जो व्हीकल का जो रेंट है उसके अगेंस्ट उतने ही पैसों के साथ आपको 70 के करीब गाड़ियां नहीं वो डिपार्टमेंट में फूड अथॉरिटी में इंजेक्ट कर दी गई हैं। इससे मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह ये जो एक पंजाब फूड अथॉरिटी का जो एक सफ़र है, कामयाबी का सफ़र है, इसमें मज़ीद तेज़ी आएगी और फर्दर स्ट्रेंथन होगा। पंजाब भर में आटे की कीमत का जायजा ले रहे हैं वजीर खुराक बिलाल यासीन। कहते हैं वजीर आला ने महंगाई कम करने की हिदायत की है। जब हुकूमत मिली तो आटे का 20 किलो का थैला 2800 रुपये का था। 100 रोज में आटे की कीमत में नुमाया कमी की है। रिकॉर्ड में रतोबदल और कीमत बढ़ाने पर महकमे खुराक का क्रैकडाउन। 24 घंटे में लाहौर समेत 5 इजला की 84 फ्लोर मिल्स की चेकिंग। लाहौर की 6 फ्लोर मिल्स को शोकॉज और जुर्माने। 3 रोज में तसल्ली बख्श जवाब जमा न करवाने पर सख्त एक्शन का इंदिया। इंसदाद पोलियो मुहिम के मस्बत असरात। लाहौर पोलियो फ्री हो गया। शहर में कोई केस सामने न आया। माह जून के पोलियो वायरस के माहौलियाती नमूने नेगेटिव आ गए। 4 माह बाद लाहौर में पोलियो वायरस के माहौलियाती नमूने मनफी आए हैं। जनवरी और फरवरी के माहौलियाती नमूने पॉजिटिव। पोलियो के 2 कतरे पिलाएं, बच्चों की जिंदगियां महफूज बनाएं। इंसदाद पोलियो मुहिम जारी। टीमें घर घर जाकर कतरे पिलाने में मसरूफ रहीं। 7 जुलाई तक जारी मुहिम के दौरान 22,30,134 बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए गए। मौसम का बदलता रूप, कभी बारिश तो कभी धूप। शहर में मॉनसून का दूसरा स्पेल जारी। सूरज और बादलों की आंख मचोली। दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। महकमे मौसमियात की शहर में वक्फे वक्फे से बारिश की पेश गोई। लेस्को का तरसीली निज़ाम बारिश की बूंदें बर्दाश्त न कर सका। लेस्को के 85 से ज़ायद फीडर्स ट्रिप कर गए।
मुताबिक इलाकों में बिजली बंद रहने से शहरियों को मुश्किलात का सामना रहा। पुराना कहना, यूहनाबाद, इस्लाम नगर, जमान पार्क और आउट फॉल रोड पर बिजली बंद रही। शहर में वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। कमिश्नर लाहौर जैद बिन मकसूद का मुतालिका महकमों को अलर्ट रहने का हुक्म। कहते हैं नकासियात के लिए तमाम मशीनरी को फाल रखा जाए। नशेबी इलाकों और अहम शहरों से मुंसलिक इलाकों में एमरजेंसी टीम्स मौजूद रहें। शहर में बरवक्त नकासियात के लिए वासा लाहौर भी मुतहरिक। एम डी वासा गुफरान अहमद का नशेबी इलाकों और लक्ष्मी डिस्पोजल स्टेशन का दौरा। करतबा चौक, लक्ष्मी चौक, मॉल रोड और जीपीओ पर नकासी के अमल का जायजा लिया। टीमों को तमाम शाहराहों को क्लियर रखने की हिदायत। करीम ब्लॉक से मोटरवे तक सिग्नल फ्री कॉरिडोर मंसूबा। वजीर आला मरियम नवाज ने मेगा प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दी। करीम ब्लॉक का मोटरवे 6 रोया रोड पर 2 अंडरपास बनेंगे। वजीर आला पंजाब का LDA हेडक्वार्टर्स का भी दौरा। मरियम नवाज ने गैर कानूनी हाउसिंग स्कीम्स की लिस्ट तलब कर ली। वजीर सनत व तजारत चौधरी शाफी हुसैन के सर सदारत इजलास। टैप्टा की जारी तरक्याती स्कीमों पर पेशरफ्त और नई स्कीमों पर अमल दरामद का जायजा लिया। इजलास में बैनुल सूबाई स्किल मुकाबलों और टैप्टा सेक्रेटेरिएट में खसूसी मॉनिटरिंग सेल बनाने का फैसला किया गया। सदर नून लीग नवाज शरीफ का तंजीम साजी के लिए मुल्क गीर दौरों का फैसला। दौरे का शेड्यूल तैयार करने की जिम्मेदारी राना सनाउल्लाह को मिल गई। सदर पंजाब राना सनाउल्लाह के सूबाई और जिले सदूर से राबते। नवाज शरीफ के मुजवजा दौरे के हवाले से तजावीज तलब। राना सनाउल्लाह ने बता दिया कि फॉर्म 47 की हुकूमत मुजाकरात नहीं कर सकती। सेनेटर एजाज अहमद चौधरी की मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, जुल्म और जबर की यह हुकूमत ज्यादा देर तक नहीं रहेगी। बिजली के बिलों, बजट में टैक्सीज और महंगाई ने आवाम का जीना मुश्किल कर दिया। 9 मई को जलाओ घराओ का केस इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में समाप्त। अदालत ने PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी को अडियाला जेल से तलब कर लिया। अडियाला जेल के सुप्रिंटेंडेंट को नोटिस जारी। साबिक वजीर खारजा को 8 जुलाई को पेश करने का हुक्म। जिना हाउस हमला केस में अहम पेशरफ्त। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने 11 मुलजिमान की जमानतें खारिज करने का हुक्म दे दिया। अदालत के एडमिन जज खालिद अरशद ने फैसला सुनाया। मुहर्रम अल हराम में अमन अमान की सूरत हाल। पंजाब हुकूमत ने आर्मी और पाक रेंजर्स की खिदमत मांग ली। सूबे भर के लिए आर्मी और रेंजर्स की 160 कंपनियों की खिदमत हासिल की जाएंगी। महकमा दाखिला पंजाब ने वफाक को खत लिख दिया। मुहर्रम अल हराम में सोशल मीडिया एप्स की बंदिश का मामला। वफाक ने सोशल मीडिया की बंदिश की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। जुलूस और मजालिस के रूट्स पर मोबाइल फोन सिग्नल्स बंद होंगे। पंजाब हुकूमत ने फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब बंद करने की दरख्वास्त की थी। मुहर्रम अल हराम की आमद अमन अमान के लिए लाहौर पुलिस मुतहरिक। DIG ऑपरेशंस मोहम्मद फैसल कामरान की जेर सदारत इजलास। लॉ एंड ऑर्डर और क्राइम कंट्रोल का जायजा लिया। इजलास में मुतनाज़े तकारीर और साउंड सिस्टम एक्ट पर सख्ती से अमल दरामद कराने पर जोर दिया। पुलिस की कारकर्दगी जांचने के लिए की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स मुकर्रर। 33 नुकात का पर्चा तैयार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक 15 की कॉल पर मुकदमा दर्ज हुआ तो 3 नंबर मिलेंगे, ना हुआ तो 3 नंबर कटेंगे। थानों में साइल की दाद रसी पर 3 नंबर मिलेंगे। आज पंजाब पुलिस फोर्स की हेल्थ वेलफेयर के लिए पुरजम। दौरान ड्यूटी जख्मी और अली जवानों के लिए इलाज के लिए 20 लाख रुपए के फंड्स जारी। IG डॉक्टर उस्मान अनवर का कहना है, मुतासर पुलिस जवानों की जल्द सेहत याबी महकमे की अव्वलीन तरजीह है। पंजाब पुलिस के यूथ एंगेजमेंट और इंटर्नशिप प्रोग्राम जारी। लाहौर समेत 36 अजला में जारी प्रोग्राम्स में हजारों तलबा की शिरकत। इंटर्नशिप मुकम्मल करने वालों में 13,000 तलबा और 7,000 से ज़ायद तालिबात शामिल।
ट्रैफिक की संगीन खिलाफवर्जियों पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी, 6 माह में मजमू तौर पर 9648 मुकदमात दर्ज किए गए। CTO अमारा अतर का कहना है, ट्रैफिक की रवानी में खलल और रकावट का बायस बनने वालों से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। PHA का शोबा मार्केटिंग को डिजिटल बुनियादों पर चलाने का फैसला, कारोबारी बिलबोर्ड्स, शॉप बोर्ड्स और स्टीमर्स की रजिस्ट्रेशन को इंटरनेट पर मुंतकिल किया जाएगा। कारोबार की मुश्तहरी के ख्वाहिशमंद अफराद घर बैठे एक क्लिक के जरिए मुहायदा कर सकेंगे। जनरल ज़ियाउल्लाह के मार्शल लॉ को 47 साल हो गए। 5 जुलाई 1977 को जमहूरी हुकूमत पर शब खून मारा गया। मुल्क पर 11 साल तक फौजी आमरियत मुसलत रही। शहर में पीपल्स पार्टी के जलई और डिविजनल तंजीमों के सरेहतमाम तकारीब होंगी। लाहौर चिड़ियाघर की ताजीन और आयश का काम 85% मुकम्मल। चिड़ियाघर आवाम की तफरीह के लिए खोल दिया गया। 14 अगस्त को चिड़ियाघर के मंसूबे का ग्रैंड इफ्तिताह किया जाएगा। DG वाइल्ड लाइफ मुदस्सर आसम मलिक का कहना है, नए परिंदे